सुशांत सिंह राजपूत, चारे बाजुआ नाम नहीं चर्चा। कल रात सो ही नहीं पाई मैं। नॉर्मल रहने की बहुत कोशिश की, कुछ रिकॉर्डिंग करनी थी वो नहीं कर पाई, तो सोचा चलो एडिटिंग में ध्यान देती हूँ, कोई गेम्स खेलते हैं, किसी और से बात करती हूँ। नहीं, मैं मानने के लिए नहीं तैयार थी कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत दुख हुआ उस इंसान के लिए जिसको मैं कभी मिली ही नहीं। बहुत दर्द हुआ उस इंसान के लिए जिसकी हंसी मुझे हमेशा ये बताती थी कि यार कितना चार्मिंग बंदा है। फिर मैंने सोचा अपने उन दोस्तों के बारे में जिनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, वो चाहे एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। उन सारे दोस्तों को कल रात 3:30 बजे मैंने एक बहुत लंबा मैसेज किया, पर्सनल मैसेज। लिखा मैंने कि सुशांत के बारे में सुन के मुझे तुम्हारी याद आई। हो सकता है पिछले कई महीनों से हम बात नहीं करते, मिलते नहीं, पर कभी भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हें किसी की जरूरत है तो मैं हूं। दिल को सुकून भी मिला ये मैसेज करके। ऐसा लगा कि चलो मैं सुशांत के साथ तो नहीं रह सकती थी, हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते थे, हेल्पलेस थे, पर कम से कम अपने करीबी दोस्तों को तो ये बता सकते हैं कि हम हमेशा है उनके साथ। पर फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे प्रॉब्लम होती, मैं डिप्रेशन में होती तो मैं क्या करती। मैं अपनी वो बेस्ट फ्रेंड को याद करती, उससे बात करने की कोशिश करती जो मुझे कभी जज नहीं करती। चाहे मेरी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो ब्रेकअप की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, फैमिली की मैटर हो, है मेरी ऐसी दोस्त जो सिर्फ मुझे सुनती है, वो मुझे सल्यूशन भी नहीं देती। क्या मैं उस बंदे को या बंदी को कॉल करती जिसको मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ? क्या मैं किसी अनजान के साथ अपना दर्द शेयर करती? नहीं। क्या अगर वो दोस्ती नहीं होती मेरी लाइफ में तो फिर शायद मैं खुद से बात करती। जैसे कि अभी भी मुझे नहीं पता है कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पर इन सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आपको भी शायद किसी ना किसी ने बोला होगा कि आई एम जस्ट वन कॉल अवे। इफ़ यू फील कभी भी लो या दर्द है, मुसीबत है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर हकीकत में क्या होता है जब आप उनको एक कॉल करते हो? वो काट देते हैं। मैसेज आता है TTYL बिजी, या फिर उठाते ही नहीं और 12 घंटे बाद कॉल करते हैं, जो कि सुशांत के साथ भी हुआ। उसने भी अपने दोस्त को कॉल किया था, उन्होंने तब नहीं उठाया। जब दोस्त का कॉल बैक आया तब, हम सब जानते हैं और आने वाले दिन में कई सारी ऐसी बातें हम जानेंगे जो हमें अंदर से पूरा हिला देगी। समझ में ही नहीं आएगा कि ये भी हो सकता है क्या। सारे जो 5 मिनट में कॉल करता हूं कह के 5 दिन तक कॉल नहीं करते, वो देंगे हमारा साथ? जो कीप इन टच कह के हमारे सक्सेस या फेलियर पे एक कॉल तक नहीं करते, वो देंगे हमारा साथ? जो ये कह के ब्रेकअप करता है कि आई एम लिविंग यू फॉर योर ओन हैप्पीनेस, वो बांटेंगे हमारा दर्द? जो बिना गुड बाय बोले हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी में से ऐसे एग्जिट लेते हैं कि आप चाहकर भी उनकी जिंदगी में एंट्री ना ले पाए, वो सुनेंगे तुम्हारा दर्द? हकीकत तो यही है कि हम खुद नहीं जानते कि कौन सुनेगा हमारा दर्द। हम जानते हैं कि कम नहीं होगा ये दर्द किसी को बताने से। हम जानते हैं कि वो बंदा हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ अपना वक्त दे सकता है हमारे दर्द को सुनने के लिए। वो महसूस नहीं कर पाएगा कि तुम पर क्या बीती है। और दर्द देने वाली बात तो ये है कि हमें तो ये तक नहीं पता कि आखिर वो कौन है जो कम से कम हमारी बात तो सुने। सुनने के बाद भले ही चाहे कुछ ना बोले, भले ही दर्द की कोई दवा ना दे, पर अगर हाथ पकड़ के या बाजू में बैठ के सिर्फ ये एहसास भी दिलाए
कि तू बोल, मैं सुन रहा हूं, तो वो काफी है। सच बात तो यही है कि हर कोई दर्द दूर कर दे ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता। वो शायद आपके दुख को समझे उतना समझदार भी नहीं होता, पर अगर वो आपको समझ रहा है तो उसे पता है कि आप पे क्या गुजर रही है, और वो ज़रूर कोशिश करेगा कि उसके दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हो। जिंदगी हर रिश्ते से ऊपर है। तुम जहाँ अपनी खुशी और सुकून किसी और में ढूंढ रहे होते हो, वो हकीकत में सिर्फ आपके ही अंदर होती है। वैसे तो हम सब काफ़ी होते हैं खुद को संभालने में, पर फिर भी ऊपर वाले ने हमें एक रिश्ता खुद से बना के दिया है जो हमारे ब्लड रिलेशन में है। और दूसरे रिश्ते किसी के साथ हम कैसे बनाए, वो उसने हम पर छोड़ा है। आज मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हर रिश्ता, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बीवी, बच्चे, माँ बाप, पति पत्नी, उन तक सीमित नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो अपना टाइटल बदलते रहते हैं वक्त के साथ। कभी वो बॉयफ्रेंड होता है, कभी वो एक्स गर्लफ्रेंड होती है, कभी वो सिर्फ यादों में जीते हैं, और कभी बेनाम सा एक रिश्ता होता है जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, जिसमें कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, जिसमें कौन ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सच है, कौन झूठ है, कौन ज़्यादा प्यार करता है, जैसी कोई बात ही नहीं। वो बेनाम सा रिश्ता ज़्यादातर हमारा हमारे साथ होता है। हमें दी गई इस ज़िंदगी के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो बेनाम सा रिश्ता है। वो ज़िंदगी हमसे कुछ नहीं चाहती है, अनकंडीशनल तरीके से बस जुड़ी है हमारी रूह के साथ। क्या है कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में जो बेनाम से रिश्ते की तरह आपसे जुड़ा हो? देखो, अगर है तो समझो बोनस है, नहीं है तो तुम खुद तो हो ही। कई बार हम रिश्ते को कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं तोड़ने और जोड़ने के चक्कर में। रिश्ता है, एक बार हो गया फिर टूटता नहीं। दोस्ती की और दोस्त नहीं रहे तो शायद दुश्मनी का ही रिश्ता हो गया। प्यार किया फिर ब्रेकअप हो गया तो समझो एक्स गर्लफ्रेंड वाला ही रिश्ता हो गया। बस हमेशा हर रिश्ते को टोकते, समझते, मापते, नाम देते रहते हैं हम। क्यों ना खुद से ही बेनाम सा रिश्ता रखें हम? क्यों ना सिर्फ उसी को हम हमारे ज़्यादा करीब रखें जिसके साथ बेनाम सा रिश्ता हो? इस रिश्ते का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो हमेशा तुम्हें सुनेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे दर्द को तो शायद नहीं समझेगा, पर फिर भी कोशिश करेगा तुम्हें समझने की। और शायद इतना काफ़ी है कि जब तुम्हें किसी की ज़रूरत महसूस हो तो वो रिश्ता काम आए। या तो बाजू में बैठ के तुम्हें सुने, या फिर तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें सुने। सुशांत की ही फिल्म का डायलॉग है, जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है खुद की जिंदगी।